Today, we will be talking about Fraud Risk Factors. Those factors in which ka risk of fraud is very high. And these Fraud Risk Factors were defined in Isa 240, which is related to fraud. फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को स्टार्ट करने से पहले आई हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम यू वी अंडरस्टैंड द फैक्ट फ्रॉड एक बहुत बड़ा रिस्क है चाहे कंपनी कॉमिट करे या एक इंडिविजुअल कॉमिट करे फ्रॉड अगर आप करते हो तो आपको ये मालूम है कि अगर हम फ्यूचर में पकड़े गए तो वी विल बी पेनलाइज हमें लॉ की तरफ से एक सज़ा मिलेगी क्यों आकर हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं हम क्यों अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं क्योंकि हमें फ्रॉड कमिट करने के बाद कुछ ना कुछ इंसेंटिव कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा राइट right? बिना कोई फायदे के हम फ्रॉड कॉमिट नहीं करते हमें कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है तभी हम फ्रॉड कॉमिट करते हैं सो so, आज हम जो भी फैक्टर्स डिस्कस करेंगे वो इंसेंटिव से रिलेटेड होंगी राइट सो लेट्स बिगिन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग द वेरी फर्स्ट फैक्टर देखिए जब भी कंपनी अपना पहला आईपीओ करने जा रही होती है यानी कि पब्लिक में वो अपने शेयर्स को इशू करने जा रही है ताकि वहाँ से फाइनेंस हासिल कर सके और यही उसके लिए एक इंसेंटिव बनता है कि वो फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए वो कोशिश करेगा हर मुमकिन कोशिश कि वो अपने प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए अपने सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए ताकि वो पब्लिक को इंक्रेज कर सके कि वो इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें उन्हें लालच दे सके कि अगर आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो क्योंकि हमारी कंपनीज़ हैवी प्रॉफिट्स जनरेट करती है तो कल को आपको डिविडेंड्स अच्छे मिलेंगे आपकी नेटवर्थ इंक्रीज होगी सो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एज इंसेंटिवाइज द कंपनी टू कॉमेट द फ्रॉड सेकंड बोनसेस ऑफ मैनेजमेंट अटैच विथ आइदर प्रॉफिट और विथ सेल्स मैनेजमेंट को यह बोला जाता है कि अगर आप हंड्रेड मिलियंस की सेल्स जनरेट करते हैं तो आपको टेन परसेंट ऑफ द प्रॉफिट बोनस दिया जाएगा मैनेजर की हर मुमकिन कोशिश होगी कि वह सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए किस तरह से वो फेक सेल्स बुक करेगा जो सेल्स रियलिटी में नहीं हुई लेकिन वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में सेल्स बुक करते हुए फेक सेल्स को दिखाएगा ताकि उसको कल को बोनस मिल सके अनदर इंसेंटिव टू कॉमिट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी बैंक से फाइनेंस चाहिए कंपनी इज़ एन अ डायर नीड ऑफ फाइनेंसिंग फ्राम बैंक लिक्विडिटी क्राइसिस चल रहे हैं पैसा नहीं है ऑपरेशन्स को रन करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है बैंक पैसा तभी देगी जब आपके पास अच्छे खासे एसेट्स होंगे बिकॉज बैंक सिक्योरिटी चाहती है अगरचे उस कंपनी के पास एसेट्स होंगे तो बैंक को पता है कि अगर फ्यूचर में इस कंपनी ने मुझे अपना लोन रीपे नहीं किया और ये अगर बैंक्रप्ट भी हो गया तो इसके बाद इतने एसेट्स मौजूद हैं कि उनको लिक्विडेट करके मैं अपना लोन हासिल कर सकता हूँ सो अगेन कंपनी हैज़ इंसेंटिव टू मनीपलेट द फाइनेंशियल्स वो अपने एसेट्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा ताकि वो बैंक से लोन हासिल कर सके अनदर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी टैक्स इवेजन टैक्स इवेजन इट सेल्फ फ्रॉड है। कंपनी अपना टैक्स बचाना चाहती है गवर्नमेंट को वो टैक्स नहीं देना चाहती क्या करेगी कंपनी कंपनी कम से कम प्रॉफिट दिखाएगी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर बुक करने की कोशिश करेगी ज्यादा बैड डेट्स दिखाएगी क्यों क्योंकि उसे टैक्स बचाना है कम से कम प्रॉफिट कम से कम टैक्स सो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगी हाई कॉम्पिटिशन लो डिमांड न्यू टेक्नोलॉजी ज्यादा कॉम्पिटिशन आ गया मार्केट में यू नो वेरी वेल कस्टमर स्वेच होंगे कंपटीशन के पास आपकी सेल्स नीचे आएंगी लो डिमांड आपके प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे टेक्नोलॉजी न्यू आ गई है अब आपकी कंपनी के जो टेक्नोलॉजी है या जो आप प्रोडक्ट्स बेचते थे वो आउटडेटेड हो चुके हैं मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं न्यू सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं आपके पास वो अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है सो कस्टमर्स ऑबियसली इंक्लाइन टू मोर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स तो अब ऐसे में क्या हो रहा है आपकी सेल्स गिरती नजर आ रही हैं और सेल्स का गिरना मतलब मार्केट को ये पता लगना कि इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना अब मैनेजमेंट के पास इंसेंटिव है कि फ्रॉडुलेंट सेल्स को रिकॉर्ड करे फ्रॉडुलेंट प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड करे ताकि शेयर प्राइस इंक्रीज़ हो